हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसी कंपनी डिस्कस करेंगे जो इंडिया की सबसे पहली इंटरनेट कंपनी है जो सक्सेसफुली स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होती है इंडिया में, और कंपनी जो 2000 साल का .com बबल था वो भी सरवाइव कर लेती है। आज का हमारा स्पॉटलाइट स्टॉक है इन्फोएज। इन्फोएज एक ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी है जो ज्यादातर Naukri.com के नाम से जानी जाती है। Naukri.com कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस डिविजन है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू। कंपनी और भी बहुत सारे बिजनेसेस करती है, जैसे कि 99acres.com, जीवनसाथी.com, शिक्षा.com, क्वाड्रेंगल, फर्स्ट नौकरी और भी कई सारे बिजनेसेस हैं। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया है और पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली 35% का कंपाउंड रिटर्न दिया है। अगर आप इस कंपनी के IPO में 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते तो उसका वैल्यू आज के टाइम में ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज हो जाता, यानी 50 times के आसपास का रिटर्न आपको इस कंपनी में मिलता। कंपनी और भी बहुत सारे इंडियन इंटरनेट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है और रिसेंटली Zomato के IPO के वजह से बहुत मीडिया में भी आई थी। इन्फोएज Zomato के वन ऑफ द अर्लीस्ट इन्वेस्टर्स है और उन्होंने उनके Zomato के इन्वेस्टमेंट पे 1000 times से भी ज्यादा रिटर्न बनाया है। तो आइए जानते हैं कि इन्फोएज और नौकरी की स्टोरी क्या है और कैसे एक इंडियन बिजनेसमैन जीरो से शुरुआत करके इतनी बड़ी कंपनी बनाते हैं। हम हमेशा फॉरेन कंपनीज के फाउंडर की स्टोरी सुन के इंस्पायर होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी स्टोरी सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। उनमें से एक है मिस्टर संजीव बिखचंदानी। जैसे ही US में बड़ी बड़ी टेक कंपनीज की शुरुआत एक छोटे से गैरेज से हुई थी, Naukri.com की शुरुआत भी एक घर के छोटे से कमरे से हुई थी। संजीव जी बिजनेस में आने के बाद भी बहुत सालों तक सक्सेस नहीं पा सके थे और 6 साल तक उन्होंने कंपनी से कोई सैलरी भी ड्रॉ नहीं की थी। घर चलाने का जो खर्चा होता था वो उनकी वाइफ की सैलरी से भरा जाता था। उनकी स्टोरी सुन के ऐसा समझ में आता है कि बिजनेस करना इज नॉट इजी, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट इजी एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट और परसिवरेंस। हालांकि Naukri.com की शुरुआत 1997 में होती है, लेकिन बिजनेस का जो आइडिया है वो संजीव जी को 1990 में ही आ जाता है जब वो एक HMM करके कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। उन्होंने वहां पे ऐसा ऑब्जर्व किया कि कंपनी के जो सारे लोग हैं वो बिजनेस इंडिया मैगजीन पढ़ते थे, लेकिन वो बिजनेस इंडिया की जो मैगजीन है वो आर्टिकल्स के लिए नहीं जॉब अपॉइंटमेंट एड्स के लिए पढ़ते थे, और अपॉइंटमेंट एड्स पढ़ने के बाद वो मैगजीन दूसरों को पास कर दी जाती थी। लेकिन ये बात उनको अटपटी इसलिए लगती है क्योंकि जो मेजोरिटी लोग वहाँ होते हैं वो उनके जॉब्स के साथ बहुत खुश होते हैं और वो जॉब चेंज करने भी नहीं वाले होते। वो सिर्फ जॉब देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कितना पैसा मिल रहा है। और कंपनी में उस समय पे बहुत सारे अच्छे अच्छे MBA कॉलेज के ग्रेजुएट्स काम करते थे, तो हर हफ्ते बहुत सारे हेड हंटर्स का कॉल आता था जॉब ऑफर्स को लेके। तो ये सब ऑब्जर्व करने के बाद उनको ये समझ में आता है कि नौकरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट कैटेगरी की है, और अगर सारे नौकरी एक जगह पे कोलेट करके दिखाया जाए तो एक बहुत अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। लेकिन उस समय पे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती है और उनको नहीं ये समझ में आता है कि मैं कैसे एक जगह पे सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रख पाऊँ। तो ये आइडिया जो है Naukri.com का वो पार्क हो जाता है और आगे नहीं बढ़ता है। फिर हर साल की तरह 1996 में भी संजीव जी एशिया IT एग्जीबिशन में जाते हैं नए आइडियाज ढूंढने और ये पता लगाने कि टेक कंपनीज में क्या चल रहा है। तो वहां पे उनका इंट्रोडक्शन होता है WWW और इंटरनेट से। इंटरनेट के बारे में और जान के उनको एकदम लाइट होता है कि अरे नौकरी का जो आइडिया था वो इसके जरिए किया जा सकता है। लेकिन उस समय पे जो सारे सर्वर्स होते हैं जिसपे हम वेबसाइट बना सके वो इंडिया में नहीं होते और सारे के सारे US में होते हैं। उनके जो बड़े भाई US में रहते हैं वो उनको कॉल करके बोलते हैं कि मुझे एक सर्वर चाहिए और तुम क्या प्लीज मुझे वो सर्वर का इंतजाम करके दे सकते हो। तो उनके बड़े भाई $25 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एक शेयर्ड सर्वर का और उनको एक्सेस देते हैं। फिर उनके एक और फ्रेंड होते हैं जो एक फ्रीलांस प्रोग्रामिंग का काम करते हैं, तो उनसे वो वेबसाइट का डेवलपमेंट का काम कराते हैं। जबकि उनके पास तभी कुछ भी पैसे नहीं होते हैं तो वो इन दोनों को एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा देते हैं फॉर देयर सर्विसेज। और ऐसे ही फाइनली 1997 में Naukri.com का सर्जन होता है और संजीव जी 29 अलग अलग न्यूज़पेपर से और बिजनेस मैगजीन से जो जॉब की एड्स होती है वो डेटा एंट्री करा के Naukri.com पे पब्लिश करते हैं। लेकिन इस समय पे भी अभी उनको पता नहीं है कि जो बिजनेस है उसको मोनेटाइज कैसे करेंगे, यानी बिजनेस से पैसा कैसे कमाएंगे, क्योंकि Naukri.com पे लिस्टिंग्स बहुत अच्छी होती है और उस समय पे कंपटीशन बहुत कम होता है, तो Naukri.com का जो ट्रैक्शन है वो बहुत ही अच्छा होता है। फिर जो भी लोग Naukri.com से जॉब सर्च करके एप्लीकेशन करते थे तो उनकी कवरिंग लेटर पे लिखते थे कि आई फाउंड योर एड ऑन Naukri.com। तो सारे जो रिक्रूटर्स थे, HR वाले थे, उनको ये क्वेश्चन मार्क होता था कि Naukri.com है क्या और हमने तो वहाँ कोई एड्स पोस्ट की ही नहीं है। इसी पॉपुलैरिटी से कंपनी को एक सामने से ऑफर आता है कि हमारे कंपनी में 6 वैकेंसीज है, क्या आपके यहाँ पे वो पोस्टिंग करेंगे।
तो तब मोनेटाइजेशन का प्लान बनता है कि हर एक वैकेंसी के लिए वो 350 रुपीज चार्ज करेंगे, और अगर कंपनी को पूरे साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए जिसमें वो अनलिमिटेड वैकेंसीज पोस्ट कर सके तो उसका 6,000 रुपीज एनुअल चार्ज होगा। फिर इसी मोनेटाइजेशन प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी जो है वो 3,000 अलग अलग HR मैनेजर्स और रिक्रूटर्स को मेल भेजती है कि Naukri.com पे आप आपकी पोस्टिंग्स कर सकते हो। पहले साल में बिजनेस इतना अच्छा नहीं चलता है, करीबन 2-2.5 लाख का रेवेन्यू होता है, लेकिन दूसरे साल जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट 8-9 times बढ़ जाता है और कंपनी का रेवेन्यू 18 लाख रुपया हो जाता है। तब संजीव जी को रियलाइज होता है कि ये बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल है और बाकी सारे उनके जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं वो बंद करके सारे रिसोर्सेस ये बिजनेस में वो लगा देते हैं। लेट 1990s में कंपनी के सक्सेस को देख के और .com बूम के चलते कंपनी को बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऑफर्स आती है, लेकिन संजीव जी तभी मना करते हैं कि हमें इस समय बाहर के इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए। फिर 2000 के साल में वो रियलाइज करते हैं कि जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत डीप पॉकेटेड है, और कंपनी को बचाने के लिए और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए उनको बाहर का फंडिंग का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो .com बबल जो बर्स्ट होता है उसके जस्ट पहले वो ICICI वेंचर्स से 7.3 करोड़ रेज करते हैं, और तभी कंपनी का वैल्यूएशन 45 करोड़ डिटरमाइन होता है। आज के टाइम पे कंपनी का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 89,000 करोड़ रुपीज है। पिछले 20 साल में कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 45 करोड़ से 86,000 करोड़ रुपीज हो जाता है। और इन्फोएज एक बहुत ही इनोवेटिव और कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है जिन्होंने पिछले 20 साल में और भी बहुत सारे बिजनेस डिविजन लॉन्च किए और भी बहुत सारे कंपनीज को अक्वायर किया, और आज के टाइम में Naukri.com 60% से भी ज्यादा मार्केट शेयर कमांड करती है रिक्रूटमेंट स्पेस में। इन्फोएज भी पिछले 2 साल से हमारे कई सारे बास्केट्स में है, और इन सारे बास्केट्स ने बहुत ही अच्छा रिटर्न हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है। आपको इन सारे बास्केट्स का नाम और रिटर्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको ऐसी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न बनाना है तो प्लीज विजिट StockBasket.com। थैंक यू।